अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिना बेगम है, मैं चादरघाट की रहने वाली हूँ। मेरे बच्चे का नाम सकीना फ़ातिमा है। मेरे दो बेटियाँ, एक बेटा है। मेरी बच्ची की तबीयत लास्ट ईयर से बहुत ख़राब है, ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, रुक रहा ही नहीं। ओलिव हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा, और मेरे को शौहर नहीं है, खुला हो गया। मेरे घर के मासियाल बहुत ख़राब है, मेरी बच्ची इतनी तबीयत ख़राब है, मेरी बच्ची की बैठ भी नहीं सकती मेरी बच्ची। बस ईद लास्ट टाइम दिसंबर में भी वीडियो डाले थे, बस बहुत थोड़ी सी हेल्प हुई। मेरी बच्ची का खर्चा 70,000 बता रहे, आप लोगों से मदद होना। मेरी बच्ची भी घर पे, बड़ी बच्ची है, छोटी बच्ची है, मेरे को शौहर नहीं है। मैं पहले काम करता था, अभी बच्ची तबीयत ख़राब रहने से एक साल से काम पे भी नहीं जा रहे। घर का किराया देना है, घर में खाने पीने कुछ नहीं है, बहुत भी बहुत हमारी हालत ख़राब है। ये बच्ची की तो बहुत भी बहुत ख़राब है, बुखार, उनको इन्फेक्शन फैल जा रहा, उन्हें बैठ नहीं सकते, वो एक साल से यही है उनको। प्लीज़ जो भी मेरा वीडियो देख रहे, थोड़ा हेल्प करिए मेरे को। मेरी बच्ची भी 10th क्लास पढ़ के लास्ट ईयर से घर में बैठी हुई है, और मेरा बच्चा भी काम पे जाता, हम लोग का गुजारा नहीं हो रहा। घर वाले धमकियाँ दे रहे घर खाली करो बोल के, हमारे पास कुछ भी कुछ खाने के लिए भी नहीं है हम लोग के पास। एक महीने से हम बहुत तकलीफ़ में हैं। जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे कि हमारी बच्ची के लिए थोड़ा हेल्प करिए। मैं अमजदुल्ला खान साहब के पास आई मदद के लिए। जो जो भी हजरात मेरा वीडियो देख रही है, मेरी मदद करिए।